हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क की थ्योरी क्या क्या होती है, इट मीन कौन कौन से पॉइंट्स उस पर काम होता है, तब हमारा प्रैक्टिकल हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो इसमें हमारे टोटल 11 पॉइंट कवर होंगे, वर्चुअल नेटवर्क, आईपी एड्रेस, सबनेट, एनआईसी, एज्योर, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, फोर्स टनलिंग, रीजनल वर्चुअल नेटवर्क्स एंड क्रॉस प्रमिसेस नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं आता हूँ वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर। तो इसके लिए एक इसका ये फिगर है। ओके, अब ये हमारा एक अकाउंट है और उसके अंदर ये हमारा एक रिसोर्स ग्रुप है। ओके, अब इसके अंदर मैंने दो अपने नेटवर्क को बनाया हुआ है, एक है VNet 1 और एक है VNet 2। ओके, अब जो हमारा VNet 1 होगा, इसके अंदर अभी हमारे दो VM है, एक है VM 1 एंड एक है 2। ओके, अब इनमें आईपी एड्रेस है आपका एक ही रेंज का होगा। तब अगर हमें इन दोनों VM को आपस में कनेक्ट करना है ना, तब ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस से ही आपस में अटैच हो जाएंगे। और जी है ना जी, और जी इसमें भी सेम ही काम होगा कि इसमें भी इनका आईपी एड्रेस अलग है और ये दोनों आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंटरनेट आईपी। फाइन, बट अगर आप चाहते हैं, देखो क्योंकि अभी आप एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर हैं, तो देखिए अब आप चाहते हैं कि VNet 1 अभी हमारा 2 से भी कम्युनिकेट होना स्टार्ट हो जाए। अब इसका आईपी एड्रेस अलग है और इसका आईपी एड्रेस अलग ही होगा, तब उस केस में दोनों वर्चुअल नेटवर्क के बीच में है ना, अभी हम लोगों को पेयरिंग करनी होगी, तब ये काम हमारा शुरू होगा। ओके फाइन, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल कि अभी हमारा आईपी एड्रेस है 10 की रेंज में, ओके, और ये है हमारा /24। तो अगर हम निकालते हैं तो टोटल अभी हमारे इट मीन कि कंप्यूटर ना अभी हमारे 256 अटैच हो जाएंगे। बट जो हमारा एज्योर क्लाउड होता है ना, उसमें हमेशा 5 आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं। आपका कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, बट हमेशा 5 आईपी एड्रेस आपके रिजर्व ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी हम लोग 10 में हैं, तो फिर जो आखिरी में हमारा 0 होता है, इसका काम होता है कि ये हमारी नेटवर्क आईडी के लिए ना अभी हमारा रिजर्व होगा। ओके, अब ये जो आखिरी में 1 होता है, ये हमेशा आपका रिजर्व होता है गेटवे के लिए। और जो 2 और 3 होते हैं, ये हमारे DNS के लिए होते हैं। एंड जो हमारा आखिरी में 255 होता है, ये हमेशा ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो इट मीन कि अभी 5 होते हैं, तो 256 में से 5 अभी हमें हटाने होंगे। इट मीन कि हम लोग सिर्फ 251 ही आईपी एड्रेस का यूज़ कर पाएंगे। ओके ना, ये क्वेश्चन ना हमारा इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी नेटवर्क होगा, हमेशा 5 आईपी एड्रेस आपके अलग अलग रिजर्व होते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ अगले पर। अगला ऑप्शन था हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पर मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको पहले वहाँ से अच्छे से पढ़िए। ओके, अब जो आईपी एड्रेस होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमेशा एक प्राइवेट नेटवर्क में ही काम में आता है, और जो हमारा पब्लिक आईपी होता है वो उसका काम हमारे इंटरनेट पर होता है। इट मीन कि उसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस करवा पाएगा। अब अगला ऑप्शन होता है सबनेट और सबनेट मास्क। ओके, इसका ये काम होता है कि जो हमारा एक आईपी का नेटवर्क होगा उसके कितने हिस्से हो जाए और उसमें से कौन सा हिस्सा हमारे काम में आएगा। तो इसका ये काम होता है कि किसी भी नेटवर्क के सब नेटवर्क
करना, ओके जी। अब फोर्थ होता है NIC, इट मीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब भी आप कोई अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो फिर उसके वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ना ये NIC अपने आप आ जाता है, ओके। अब इसका ये काम होता है कि आपके पब्लिक IP को आपके प्राइवेट IP के साथ में जोड़ना, ओके। क्योंकि NIC अगर होगा ना, तभी आपको इसको IP एड्रेस असाइन हो पाएगा, ओके। अब फिफ्थ होता है Azure लोड बैलेंसर। अब ठीक है ना, अब इसका काम होता है कि जो भी आपका ट्रैफिक होगा ना, उसको अभी आपके बांटना, ओके। मैं आगे है ना इस पर एक पूरा एक अच्छे से हमारा टॉपिक आएगा, तब हम लोग इसे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। और अगला होता है एप्लीकेशन गेटवे, ओके। अब इसका भी काम आपका कुछ कुछ ऐसे होता है, और इसका भी आगे हमारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, ओके। ट्रैफिक मैनेजर, अब जी है ना, अब इसका ये काम होता है कि जो भी आपका ट्रैफिक है ना, उसको कहाँ पर कैसे सेंड करना है, तो इस चीज़ को मैनेज करने का ना काम इसका होता है, ओके। अब एट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इट मीन NSG। अब इसका ये काम होता है कि जो आपकी वर्चुअल मशीन होगी, उसमें कौन कौन से पोर्ट्स आपने ओपन किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उसमें आपने रिमोट डेस्कटॉप के पोर्ट को अगर आपने ऑन किया हुआ है ना, तो ये है ना बस ओनली आपके RDP के ही ट्रैफिक को अंदर आने देगा ना, और सबको स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें ये तो फिर इसमें ना ऐसे ही काम होता है कि जी कौन सा पोर्ट आपको ऑन एंड ऑफ करना है, तो फिर उसका ट्रैफिक ना हमारा आएगा और आपका स्टॉप हो जाएगा। 9 होता है फोर्स टनलिंग, ओके। इसका ये काम होता है कि जब कोई यूज़र ना अपना रूट खुद बनाता है कि भाई डेटा ना अभी हमारा कैसे कैसे होते हुए पास होगा, ओके, तब इसका काम होगा। 10th होता है रीजनल VNETs। इसका ये काम होता है एज यू नो कि जो हमारा Azure होता है, उसके 58 अलग अलग जोन्स होते हैं। तब एक वर्चुअल मशीन अगर आपकी US ईस्ट में है, और एक आपकी है इंडिया के सेंट्रल में है, तो फिर आपके जोन आपके अलग अलग हो गए। तब उस केस में अलग अलग जोन के वर्चुअल मशीन को कैसे हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, तब इसका काम होगा। अच्छा, इसमें मैं ना हमेशा आपके प्राइवेट IP एड्रेस का ही काम होता है अलग अलग जोन को जोड़ने का, क्योंकि जो Azure है ना, उसके सारे सेंटर, इट मीन कि उसके सारे सर्वर्स ना, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ पर है ना, वो आपस में हमारे एक लीज लाइन से अटैच हैं, और एक प्राइवेट IP से आपस में इंटरकनेक्ट हैं, ओके। अब आपका 11th होता है क्रॉस प्रमिसेस नेटवर्क, ओके। अब इसके हमारे 3 टाइप होंगे, एक होगा पॉइंट टू साइट, एक होगा साइट टू साइट, और एक होगा एक्सप्रेस रूट, ओके। इसका ये काम होता है कि जो हमारा ऑफिस होगा, उस ऑफिस से और जो हमारे क्लाउड के सर्वर्स होंगे, उनके बीच में ना एक हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट मीन VPN को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ये पूरी स्टडी, पूरा प्रैक्टिकल, पूरा थ्योरी ना हमारा बहुत अच्छे से होगा। तो इसमें इन 11 पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ ना। अब जब मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल करूँगा ना, तब आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ओके। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।